नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस पर। जान लीजिए आजीवन स्वस्थ रहने के नियम। आजकल पाए जाने वाले अधिकांश रोगों का कारण अस्त व्यस्त दिनचर्या व विपरीत आहार ही है। हम अपनी दिनचर्या शरीर की जैविक घड़ी के अनुरूप बनाए रखें तो शरीर के विभिन्न अंगों की सक्रियता को हमें अनायास ही लाभ मिलेगा। इस प्रकार थोड़ी सी सजगता से हमें स्वास्थ्य जीवन प्राप्त करा देगा। जैविक घड़ी पर आधारित शरीर की दिनचर्या ऐसे बनाएं। प्रातः 3 से 5, इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से फेफड़ों में होती है। थोड़ा गुनगुना पानी पीकर खुली हवा में घूमना एवं प्राणायाम करना चाहिए। इस समय दीर्घ श्वास करने से फेफड़ों की कार्य क्षमता खूब विकसित होती है। उन्हें शुद्ध वायु, ऑक्सीजन और क्षण आयन विपुल मात्रा में मिलने से शरीर स्वास्थ्य व स्फूर्तिमान होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग बुद्धिमान व उत्साही होते हैं और सोते रहने का जीवन निस्तेज हो जाता है। प्रातः 5 से 7, इस समय जीवन शक्ति विशेष रूप से आंत में होती है। प्रातः जागरण से लेकर सुबह 7 बजे के बीच मल त्याग एवं स्नान कर लेना चाहिए। सुबह 7 बजे के बाद जो मल त्याग करते हैं उनकी आंतें मल में से त्याज्य द्रव्यांश का शोषण कर मल को सुखा देती है। इससे कब्ज तथा कई अन्य रोग उत्पन्न होते हैं। सुबह 7 से 9, इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से आमाशय में होता है। यह समय भोजन के लिए उपयुक्त है। इस समय पाचक रस अधिक बनते हैं। भोजन के बीच बीच में गुनगुना पानी अनुकूलता अनुसार घुट घुट पिए। सुबह 11 से 1, इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से हृदय में होती है। दोपहर 12 बजे के आसपास मध्याह्न संध्या आराम करने का हमारी संस्कृति का विधान है, इसलिए भोजन वर्जित है। इस समय तरल पदार्थ ले सकते हैं, जैसे मट्ठा पी सकते हैं, दही खा सकते हैं। दोपहर 1 से 3, इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से छोटी आंत में होती है। इस समय कार्य आहार में मिले पोषक तत्वों का अवशोषण व व्यर्थ पदार्थों की बड़ी आंत की ओर धकेलना है। भोजन के बाद प्यास अनुरूप पानी पीना चाहिए। इस समय भोजन करने अथवा सोने से पोषक आहार रस के शोषण में अवरोध उत्पन्न होता है व शरीर रोगी तथा दुर्बल हो जाता है। दोपहर 3 से 5, इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से मूत्राशय में होती है। 2 से 4 घंटे पहले पिए पानी इस समय मूत्र त्याग भी प्रवृत्त होता है। शाम 5 से 7, इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से गुर्दे में होती है। इस समय हल्का भोजन कर लेना चाहिए। शाम को सूर्यास्त से 40 मिनट पहले भोजन कर लेना उत्तम रहेगा। सूर्यास्त के 10 मिनट पहले से 10 मिनट बाद तक संध्या काल भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन शाम के 3 घंटे बाद दूध पी सकते हैं। देर रात को किया गया भोजन सुस्ती लाता है और मोटापा लाता है। रात्रि 7 से 9, इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से मस्तिष्क में होती है। इस समय मस्तिष्क विशेष रूप से सक्रिय होता है। अतः प्रातः काल के अलावा इस काल में पढ़ा हुआ पाठ जल्दी याद रह जाता है। आधुनिक अन्वेषण में इसकी पुष्टि हुई है। रात्रि 9 से 11, इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी में स्थित मेरुरज्जा में होती है। इस समय पीठ के बल या बाईं करवट लेकर विश्राम करने से मेरुरज्जा को प्राप्त शक्ति को ग्रहण करने में मदद मिलती है। इस समय नींद सर्वाधिक विश्रांति प्रदान करती है। इस समय जागरण शरीर व बुद्धि को थका देती है। यदि इस समय भोजन किया जाए तो वह सुबह तक जठर में पड़ा रहता है, पचता नहीं है और सड़ने में हानिकारक द्रव्य पैदा करता है। साथ ही आंतों में जाने वाले रोग उत्पन्न करते हैं, इसलिए इस समय भोजन करना खतरनाक है। रात्रि 11 से 1, इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से पित्ताशय में। इस समय में जागरण, पित्त विकार, अनिद्रा,
नेत्र रोग उत्पन्न करता है व बुढ़ापा जल्दी लाता है। इस समय नई कोशिकाएं बनती है रात्रि 11 से 1 बजे में। अब रात्रि 1 से 3 बजे क्या करना है ये जानें। इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से लीवर में होती है। अन्न का सूक्ष्म पाचन करना यह यकृत का कार्य है। इस समय का जागरण यकृत लीवर का पाचन तंत्र को बिगाड़ देती है। इस समय यदि जागृत जगते रहे तो शरीर नींद के वशीभूत होने लगता है, दृष्टि मंद होती है और शरीर की प्रतिक्रियाएं मंद होती है, अतः इस समय सड़क दुर्घटनाएं अधिक होती है। नोट: ऋषियों का व आयुर्वेदाचार्य ने बिना भूख लगे भोजन करना वर्जित है, अतः प्रातः काल एवं शाम को भोजन की मात्रा ऐसी रखें जिसके ऊपर बताए भोजन के समय में खुलकर भूख लगे। जमीन पर कुछ बिछाकर सुखासन में बैठकर ही भोजन करें। इस आसन में मूलाधार चक्र सक्रिय होने से जठर अग्नि प्रदीप्त रहती है। कुर्सी पर बैठकर भोजन करने से पाचन शक्ति कमजोर होती है तथा खड़े होकर भोजन करना बहुत ही हानिकारक है, बिल्कुल नहीवत हो जाता है। इससे बूके डिनर से बचना चाहिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का लाभ लेने हेतु सिर पूर्व व दक्षिण दिशा में करके ही सोएं, अन्यथा अनिद्रा जैसी तकलीफें होती है। शरीर की जैविक घड़ी को दृढ़ ठीक ढंग से चलाने हेतु रात्रि को बत्ती बंद करके सोए। इसके संदर्भ में हुए शोध चौंकाने वाले, देर रात तक कार्य या अध्ययन करने से और बत्ती चालू करके सोने से जैविक घड़ी निष्क्रिय होकर भयंकर स्वास्थ्य संबंधी हानियां होती है। अंधेरे में अथवा कम प्रकाश में सोने से यह जैविक घड़ी ठीक ढंग से चलती है। जय श्री राम।